20 साल की साधना बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो उम्र से तो जवान थी मगर चंचल होने की वजह से बच्चों जैसी हरकतें करती रहती थी। पिता रामेश्वर एक गरीब किसान थे और माँ सरस्वती कई साल पहले ही गुजर चुकी थी। अब घर में साधना का ख्याल रखने वाला रामेश्वर के सिवा और कोई भी नहीं था, इसलिए उसे अक्सर बेटी की चिंता लगी रहती थी। एक दिन रामेश्वर के घर उसकी बहन की लड़की सविता आई और मामा जी, साधना अब जवान हो गई है, इसलिए इसके ब्याह के बारे में कुछ सोचो। सोच तो रहा हूँ बेटी, पर घर के काम काज करने, गृहस्थी की जिम्मेदारी उठाने के लायक तो हो जाए। तो फिर क्यों ना आप इसे मेरे साथ शहर भेज दो, हमारे साथ शहर में रहेगी तो सब काम अच्छे से करना सीख जाएगी। रामेश्वर को सविता की राय बहुत पसंद आती है और वो साधना को सविता के साथ भेजने के लिए तैयार हो जाता है। बेटी, साधना बहुत चंचल और शरारती लड़की है, इसे नकेल डाल कर रखना। क्यों बापू, मैं क्या कोई गाय भैंस हूँ? मैं क्या किसी को सींग मारती हूँ? आप चिंता ना करो मामा, मैं इसे बहुत अच्छे से रखूंगी। शहर आने के बाद सविता की यही कोशिश रहती है कि साधना घर के सब कामों में पारंगत हो जाए। साथ ही वो साधना के चंचल स्वभाव को भी नियंत्रित करने की कोशिश करती है और उसे हमेशा समझाती है कि देखो साधना, अब तुम सयानी हो गई हो, तुम्हें ये ज्यादा चंचलता शोभा नहीं देती, तो बहना गंभीर होकर जीवन की जिम्मेदारी निभाना सीखो। मैं कोशिश तो बहुत करती हूँ दीदी, लेकिन पता नहीं क्यों गलतियाँ हो ही जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा ध्यान दोगी तो सब ठीक हो जाएगा। एक बार सविता कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी और उसकी अनुपस्थिति में साधना को एक शरारत सूझती है। दोपहर के समय जब उसके जीजा प्रकाश लंच के लिए घर आने वाले होते हैं, तो वो उनसे मजाक करने के लिए सविता के कपड़े पहनकर उसके बिस्तर में इस तरह लेट जाती है कि प्रकाश को उसका चेहरा ना दिखाई दे। फिर जैसे ही प्रकाश आता है तो वो साधना को सविता समझ लेता है और अरे तुम आगे डार्लिंग, चलो अच्छा किया, तुम्हारे बिना तो मैं तड़प ही गया था। ये कहते हुए प्रकाश सीधे बिस्तर में घुसा चला जाता है और फिर हाय राम, तुम दोनों ये क्या गुल खिला रही हो? साधना, मैं तो तुझे मासूम बच्ची समझती थी, पर तू तो पूरी चुड़ैल निकली। देखो सविता, इसमें साधना को कोई कसूर नहीं है, ये बेचारी तो तुम्हारे कपड़े पहनकर बस जीजा के साथ मजाक कर रही थी, वो मैं ही कुछ ज्यादा आगे बढ़ गया। मैं नादान बच्ची नहीं हूँ, आप जो कहेंगे कि मान जाऊंगी। तुम दोनों रंगे हाथ पकड़े गए हो तो बहाने बना रहे हो, और ना पकड़े जाते तो ये खेल चलता रहता। उस दिन के बाद सविता प्रकाश के समझाने पर भी साधना को अपने घर नहीं रखना चाहती। वो मासूम साधना को अपनी ममेरी बहन नहीं बल्कि सौतन समझने लगती है। हम अपने घर जा रहे हैं, पर इतना बता देते हैं कि हमसे अनजाने में भूल जरूर हुई है, मगर हम गुनहगार नहीं है। अगर जीजा हमारे साथ कुछ ऐसा वैसा करना भी चाहते तो हम मर जाते, पर कुछ करने नहीं देते। हम सब समझते हैं तेरे दोहरे चरित्र को, अब जा और हमारे घर की तरफ मुंह करके भी मत सोना, समझी? सविता की नजरों से गिरने पर साधना अंदर से टूट जाती है और हमेशा गुमसुम सी रहने लगती है। उसकी ये हालत देखकर रामेश्वर भी बहुत दुखी हो जाता है और बेटी, जब से तुम सविता के घर से आई हो गुमसुम सी रहती हो, आखिर क्या बात है? पिता के ये पूछने पर साधना से रहा नहीं जाता, वो फफक फफक कर रोने लगती है और उन्हें सारी बात सच सच बताते हुए कहती है, बापू, मैं नादानी में ये सब भूल कर बैठी और अब इतना पछता रही हूँ कि मर जाने को मन करता है। अरे नहीं नहीं बेटी, मरने की बात कभी मत करना, तुमने जो किया वो बचपने में किया, इसे बहुत बड़ा गुनाह मानकर दिल पर बोझ मत रखो। फिर क्या करूँ बापू? तुम कुछ मत करो, अब जो करना है मैं ही करूँगा। उस दिन से रामेश्वर को बेटी की शादी की और अधिक चिंता हो जाती है और वो किसी योग्य लड़की की तलाश में लग जाता है। लेकिन तभी एक दिन प्रकाश उनके घर आता है। अब क्या लेने आए हो? साधना के साथ तुमने जो किया क्या वो सही था? साधना तुम्हारी छोटी बहन जैसी थी और तुमने उसे ही। मुझसे जो हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, वो छोटी सी गलती बहुत बड़ा गुनाह बन जाती, पर भगवान ने बचा लिया, अब मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करके ही दम लूंगा। प्रकाश की ये बात सुनकर रामेश्वर शांत हो जाता है
और फिर प्रकाश उनसे कहता है, बाबूजी, मैंने साधना के लिए लड़का देखा है। लड़का बहुत ही अमीर घर का है और बहुत जल्दी शादी करना चाहता है। पर मेरे पास तो इस वक्त एक ढेला तक नहीं है बेटा, फिर मैं इसकी शादी इतनी जल्दी कैसे कर सकता हूँ? उसकी चिंता आप मत कीजिए, शादी का सारा खर्च मैं उठाऊंगा। क्योंकि उस हादसे के बाद मैं साधना को अपनी छोटी साली नहीं, बहन समझने लगा हूँ। प्रकाश के ये शब्द सुनकर रामेश्वर की आंखों से आंसू फूट पड़ते हैं। साधना भी रोते हुए प्रकाश के गले जा लगती है। लेकिन आज प्रकाश के दिल में हवस नहीं बल्कि स्नेह का सैलाब होता है। जीजा जी, आपने हमारे गरीब बाप को बहुत बड़ी समस्या से उबार दिया है। नहीं साधना, रो मत। छोटी बहन को ब्याहना बाप का ही नहीं बड़े भाई का भी फर्ज होता है और मैं वही पूरा कर रहा हूँ। फिर प्रकाश बड़ा भाई बनकर खुद साधना का विवाह कराता है। सविता शुरू शुरू में तो उसका विरोध करती है, लेकिन फिर उसकी अच्छाई और सच्चाई को परखने के बाद इस काम में उसका दिल खोल कर साथ देती है।